फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है। मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालियास्थान बरमसिया बुरहा पहाड़ के पास अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई थी तथा सूचना पर छापेमारी दल का गठन किया गया था। एएसपी सदर हरिशंकर कुमार के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल में सर्कल इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह, एएसआई प्रभारी विनय कुमार सिंह, जिला सूचना इकाई के प्रभारी सुनील कुमार, कासिम बाजार थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, जमालपुर थाना अध्यक्ष रंजन कुमार, धरहरा थाना अध्यक्ष सरजीत कुमार शामिल थे। बुरहा पहाड़ पर चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान 3 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया तथा 4 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान हथियार बनाने वाले उपकरणों की भी बरामदगी के अलावा शराब भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान ओम प्रकाश चौधरी साकिन सुतरखाना थाना मुफस्सिल, अनिल कोरा साकिन बरमसिया थाना धरारा, कमल ठाकुर साकिन पचरुखी थाना धरारा और तूफानी कोरा साकिन कालियास्थान थाना धरारा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्त के विरुद्ध हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे। गिरफ्तार ओम प्रकाश चौधरी मिनी गन फैक्ट्री संचालित करने के कांड में सजायाप्त भी है तथा जमानत पर होने के बाद भी अवैध तरीके से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। गिरफ्तार ओम प्रकाश पहाड़ पर जंगलों के बीच मिनी गन फैक्ट्री चलाता था तथा स्थानीय अपराधियों एक अलावा नक्सलियों को भी हथियार मुहैया कराता था। ओम प्रकाश चौधरी हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। वहीं अनिल कोरा वर्ष 2015 में खगरपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में आरोपी है और फिलहाल फरार चल रहा था। छापेमारी अभियान के दौरान एक ड्रिल मशीन, 3 बेस मशीन, 4 बैरल 7.65 एमएम की 4 मैगजीन, 5 पिस्टल बट हैंडल, 5 इजेक्टर, 20 पिस्टल स्ट्राइकर, 10 लोहे का स्प्रिंग तथा पिस्तल बनाने के अन्य उपकरण बरामद किया गया है। 50 लीटर अवैध देसी शराब बरामद किया गया तथा सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट किया गया। देखिए मुंगेर से रविशंकर शर्मा के साथ इम्तियाज खान की पूरी रिपोर्ट। धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बुरहा पहाड़ी है कालीस्थान के पास बरमसिया गांव में, वहां पे सूचना मिली थी कि वहां पर एक अवैध तरीके से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन होता है। तो इसके बाद जो है टीम गठित की गई जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक सदर महोदय के नेतृत्व में एसआईयू के प्रभारी विनय सिंह, जिला सूचना इकाई के प्रभारी सुनील और थानाध्यक्ष कासिम बाजार धरारा एवं जमालपुर, तो इन लोगों के द्वारा जब छापामारी की गई तो वहां से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास से 3 बेस मशीन, 4 मैगजीन जो है 7.65 एमएम का बना हुआ और भी जो भी ड्रिल मशीन और जितने भी और सामान होते हैं हथियार बनाने वाले उसको जब्त किया गया। साथ में वहां पर जो है अवैध भट्टी भी चल रही थी दारू की, तो वहां से 40 लीटर के आसपास महुआ शराब भी जब्त किया गया है और भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। कि मैम जो इलाका है वो पूर्णतः नक्सली है, तो ऐसा माना जा सकता है कि नक्सलियों के संरक्षण में वो हथियार और शराब बनाने का काम चलता था। ये जो ऑपरेशन चलाया गया वो एक नक्सली क्षेत्र में ही आता है, इसीलिए इस बिंदु पे हम लोग काफ़ी सूक्ष्म तरीके से जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी जो 4 लोग पकड़ाए भी हैं तो उसमें से जो एक ओम प्रकाश चौधरी है तो उस पर ऑलरेडी जो है मुफस्सिल थाना का रहने वाला है ये, तो इस पर हत्या का ही मामला दर्ज है, हत्या की साजिश का भी मामला है और आर्म्स एक्ट में भी पहले जेल जा चुका है। और एक जो इसमें से अनिल कोड़ा है वो खड़गपुर में एक हत्या के मामले में फरार भी चल रहा है।